इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज आगरा उत्तर प्रदेश। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज महामना मुनिराज प्रमा सागर जी महाराज की। संयम हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है। बिना संयम साधना के सिद्धि नहीं होती। मनुष्य जब तक अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों में अंकुश नहीं लगाता तब तक अपने जीवन का परिष्कार नहीं कर सकता। यदि सच्चे अर्थों में अपना आत्मोद्धार चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम व्रत संयम में रुचि रखते हुए उस क्षेत्र में अग्रसर हों। इस आशय की बात विगत अनेक दिनों से आप सबके मध्य चल रही है। आचार्य कुंदकुंद ने गृहस्थाचार्य और मुनि आचार्य के रूप में दो प्रकार के संयमाचरण की बात की। लंबे समय तक श्रावकाचार्य के रूप में हमने चर्चा की और उसके बाद कल से हमने मुनि आचार्य, श्रमणाचार्य या संयमाचार्य की चर्चा शुरू की थी, जिसके संदर्भ में पहले दिन की ही वार्ता थी। पंचिंदी संवरणम पंचब्बया पंचविंश क्रियासु पंच समिदो तय गुत्तो संयम चरणम निरायारम। पांच इंद्रियों का संवरण करना। कल हमने पंचेंद्रीय जय की बात आप सबके बीच की। इसके बाद पांच महाव्रत और 25 क्रियाएं, जो बहुत ही मूल्यवान व्रत है। यद्यपि व्रतों की चर्चा अनुव्रतों के रूप में हमने कर ली, लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा मैं महाव्रत और महाव्रती के विषय में करूँगा। हम लोग जानते हैं कि मुनिराज महाव्रती होते हैं, पर आपको पता है ये महाव्रत क्या होता है और इन महाव्रतों के पालन के लिए मुनिराज क्या करते हैं? व्रतों की जो मर्यादा है एक गृहस्थ में और एक मुनि में कितना अंतर है, कभी आपने सोचा? महाव्रत बड़े महान व्रत हैं जिसे कोई साधारण इंसान नहीं निभा सकता। आचार्य कुंदकुंद ने महाव्रतों को महाव्रत के रूप में निरूपित करते हुए कहा कि ये महाव्रत क्यों है, तो साहंत जम महल्ला साहि पुब्बम च जम महल्ला ही जम च संयम महल्लम महब्बया इत्येता ही। जिसे महान महान पुरुष साधते हैं, जिसे महापुरुषों ने अतीत में साधा है, जो स्वयं महान है उसका नाम महाव्रत है। महाव्रतों को अंगीकार करना हर किसी के बूते की बात नहीं है। दिल इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी ही महाव्रत को अंगीकार करके उस पथ पर चल पाते हैं। पापों के परिपूर्ण त्याग का नाम महाव्रत है। परिपूर्ण त्याग, हम सबकी वृत्ति जन्म जन्मांतरों से पापात्मक बनी हुई है। हर प्रवृत्ति में पाप है। चलने में पाप, फिरने में पाप, बोलने में पाप, उठने में पाप, बैठने में पाप, खाने में पाप, पीने में पाप, सोने में पाप, हर क्रिया में पाप है, है? लेकिन अपने पाप पूर्ण जीवन को निष्पाप बनाने का मार्ग यदि है तो महाव्रत है। पाप पूर्ण जीवन को निष्पाप बनाने का मार्ग महाव्रत है। महाव्रत को अंगीकार करते ही सारे पापों पर रोक लग जाती है। व्रत कहते किसे हैं? वीरतिर व्रतम,
विरति का नाम व्रत है, यानी पापों में विराम लगाने का नाम व्रत है। जो आंशिक विराम लगाते हैं उनका अनुव्रत होता है, और जो पापों पर पूर्ण विराम लगा दे वे महाव्रती। पापों पर पूर्ण विराम, अब किसी प्रकार का कोई पाप कतई संभव ही नहीं। आप सोच सकते हैं, पांच पांच महाव्रत है, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचार्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। तुम जिन्हें अपना आदर्श मानते हो, तुम जिन्हें अपना गुरु मानते हो, तुम जिनकी पूजा करते हो, आराधना करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो, आखिर क्यों? कभी सोचने में आया क्या अंतर है एक महाव्रती साधु और एक साधारण व्यक्ति में? कभी सोचा एक महाव्रती साधु में और एक साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? आप लोगों से जानना चाहूंगा क्या अंतर है। हाँ बोलो, क्या अंतर है? वो मुझे ही बताना पड़ेगा, मुझे तो पता है क्या अंतर है। जो पापों में रमा हो वो साधारण, और जो पापों से पूरी तरह मुक्त हो वो महाव्रती, यही अंतर है। जो पाप में जी रहा है वो सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति में स्थूल सूक्ष्म कोई ना कोई पाप जुड़ा है, लेकिन जो यथार्थतः भीतर से महाव्रती है वो पूर्णतया निष्पाप है। महाव्रत ही पाप मुक्ति का माध्यम है, उनके बिना पापों से नहीं बचा जा सकता। तो ऐसे महाव्रतों में सबसे पहले अहिंसा महाव्रत। मुनिराज अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। आपने कभी निकटता से किसी मुनिराज को देखने की कोशिश की कि वे अपने हर प्रवृत्ति में अहिंसा का कितनी दृढ़ता और निष्ठापूर्वक अनुपालन करते हैं? आपने कभी देखा मुनि महाराज पूरे जीवन पैदल चलते हैं? क्यों चलते हैं? क्यों चलते हैं? मेरे पदाघात से किसी सूक्ष्म जीव का भी विघात ना हो, ये क्या है? किस व्रत की बात है? महाव्रत की बात है, अहिंसा की बात है। मुनिराज पूरे जीवन निरावरण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वस्त्रादिक परिग्रह को रखेंगे तो उनके धोने संवारने में प्रयत्न करना होगा, और उसमें सूक्ष्म स्थूल हिंसा होगी। मैं अहिंसा महाव्रती हूं, मुझे इनसे कोई नाता नहीं है। कड़कड़ाती ठंड हो, उस ठंड के निवारण के लिए हीटर का प्रयोग नहीं, अग्नि अंगीठी का प्रयोग नहीं, कंबल रजाई का प्रयोग नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जीवों की विराधना होगी, जीव हिंसा होगी, हमें ये कार्य नहीं करना। चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती गर्मी हो, भीषण गर्मी, तो भी कूलर नहीं, पंखा नहीं और कोई संसाधन का प्रयोग नहीं। क्यों? जिस क्रिया में हिंसा है उस क्रिया से मुझे दूर रहना है, और न केवल क्रिया की हिंसा अपितु भावों की हिंसा से भी बचना है। ये सावधानी और सजगता एक मुनिराज के मन में होती है, इसलिए वे अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। और अहिंसा व्रत के पालन के लिए पांच भावनाएं उनके अंतरंग में हिलोर मारती है। वांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंच। वचनों में गुप्ति रखते हैं, यानी कम बोलते हैं, सारभूत ही बोलते हैं या मौन रहते हैं। आप लोग आकलन कीजिए,
आपके बोल चाल में बिना मतलब के कितने पाप होते हैं? मतलब की बातें लोग कम करते हैं और बेमतलब की बातों में लोग रमे रहते हैं। संत कहते हैं मतलब से मतलब रखो। मुनि महाराज का मूल ध्येय उनके महाव्रतों की रक्षा का है, वे महाव्रतों के दायरे में बंधे रहते हैं, इसलिए हर पल अपने महाव्रतों की तत्परता पूर्वक रक्षा करते हैं। तो मैं अपने महाव्रतों की रक्षा कर पाऊंगा जब मुझे इस बात का एहसास और आभास होगा कि ये व्रत मेरे जीवन के उत्कर्ष का आधार है, न केवल व्रत मेरे जीवन के उत्कर्ष का आधार है अपितु ये व्रत मेरी साधना का प्राण है। व्रत मेरी साधना का प्राण है, ये विश्वास जब मन में जगता है तब कहीं व्रत पल पाता है, तब कहीं व्रत पल पाता है। इसे असी धारा व्रत के रूप में जाना जाता है। असी धारा व्रत क्या है? तलवार की धार पर चलने जैसा। क्यों? हर पल अपने संयम साधना को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ने का प्रण संकल्प, यही संकल्प मनुष्य को सिद्धि दिलाता है। तो वो दृष्टि होनी चाहिए। तो वचनों में नियंत्रण, मनोगुप्ति, मन को फालतू की बातों में उलझाने से बचाना, बिना मतलब की बातों में अपने जी को लगाना पागलपन है। आप लोग अपने मन को पलट करके देखिए, काम की बातों में ज्यादा रमते हो या बिना काम के? बोलो, क्या काम के या बिना काम के? और बिना काम में क्या पाते हो? बर्बादी। काम के से काम रखने वाला मनुष्य अपनी उन्नति करता है, और जो बिना काम के बातों में अपना जी लगाता है वो जहां के तहां रह जाता है। इसलिए काम से काम करो, फालतू बात नहीं, फालतू विचार नहीं, फालतू काम नहीं, क्योंकि ये फालतू तुम्हारे जिंदगी को फालतू बना देगा। वांग मनोगुप्ति रियादान निक्षेपन समित्यालोकित पान भोजनानी पंच। चल रहे हैं, देख करके चल रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं चल रहा है, जीवों को बचाते हुए चलना है। ये ख्याल और विचार ही उन्हें उनकी अहिंसा में स्थिरता दिलाता है। किसी वस्तु को उठा रहे हैं, रख रहे हैं, सावधानी पूर्वक उठा रहे हैं और रख रहे हैं, यदवा तदवा नहीं, खुद भी उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो सूक्ष्मता से देख सोच करके उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, कहीं किसी जीव का घात तो नहीं हो रहा है। और आलोकित पान भोजन, प्राकृतिक प्रकाश में ही भोजन पानी ग्रहण कर रहे हैं। ये क्या है? ये उनकी अहिंसा के प्रति स्थिरता के आधार है। चार बातें आज के संदर्भ में मैं आप लोगों से कहूंगा। व्रत आप लोग भी रखते हैं और व्रत एक महाव्रती साधु भी रखता है। व्रत लेना और देना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। व्रत लेना, व्रत देना, चार बातें करूंगा। व्रत लेना, व्रत देना, व्रत निभाना और व्रत का फल पाना। लेना, बहुत लाइन लगी रहती है, महाराज जी व्रत दे दो, व्रत दे दो, व्रत दे दो, और देने वाले दे भी देते हैं। आपने लिया, हमने दिया, पर क्या लिया और क्या दिया? कभी सोचा? आप लोग व्रत लेते हो ना, तो व्रत कोई सामान है?
जैसे बाजार से ले आए, ऐसे ही महाराज जी के पास गए, महाराज से हमने व्रत ले लिया। व्रत क्या है बोलो? यहां सब बैठे हैं, कोई ना कोई व्रत तो लिया होगा। व्रत लिया है और देने वाले ने दिया भी है, पर मैं पूछता हूं, आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? व्रत क्या है जिसे आपने लिया? हाँ, हाँ, पांच इंद्रिय और मन पर विजय पाना व्रत है तो हो गया काम। व्रत क्या है कभी विचार किया? खूब व्रत लेने की होड़ होती है, लोग व्रत लेते हैं और देने वाले देते हैं, मैं भी देता हूं, पर व्रत क्या है ये तो पहले समझो। व्रत है मन का एक संकल्प। क्या है? मन का संकल्प, प्रतिज्ञा। मैंने व्रत लिए, मैंने महाव्रत लिए, तो मैंने अपनी मर्जी से महाव्रत अंगीकार किए हैं, मुझे किसी ने थोपा नहीं है, किसी ने दिया नहीं, मैंने लिया है, मैंने अंगीकार किया है, और वो मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। हर स्थिति में इसे निभाना मेरा लक्ष्य है, और ये मेरा प्रण है, ये मेरा संकल्प है, मैं उसे अपने आखिरी सांस तक निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसका नाम है व्रत, व्रत लेना। आप लोग व्रत लेते हो, लेते समय ऐसा लगता है कि मैंने आज अपने जीवन में कोई बृहत संकल्प लिया है, ऐसा संकल्प जो मेरे जीवन को ऊंचाई प्रदान करे, ऐसा संकल्प जो मेरे जीवन की समुन्नति का आधार बने, ऐसा संकल्प जो मेरे जीवन की अमूल्य निधि हो। अगर इस भाव के साथ कोई व्रत लेता है तो उसका व्रत जीवन में कभी खंडित नहीं हो पाता। कई लोग तो व्रत लेते हैं, लेते ही जाते हैं, लेते ही जाते हैं, लेते ही जाते हैं। एक बार एक बहन जी आई, अपनी डायरी ली और बोले, महाराज जी मुझे कोई नियम दे दो। डायरी मेरे सामने रखी, महाराज जी आप कोई नियम दे दो। बोले, क्या डायरी मेरे सामने क्यों रखी? महाराज जी मैंने अब तक जितने भी नियम लिए हैं, व्रत लिए हैं, उन सबको इन डायरियों में रखा लिखा है, मैं चाहता हूँ आप भी कोई व्रत दे दो और इस डायरी में लिख दो। मैंने देखा करीब 200 नियम थे, 100 नियम थे। हमने कहा, बहन जी इतने सारे नियम आपको पता है? बोले, महाराज सब लिखा है। हमने कहा, एक ही व्रत लो, मैं तुम्हें एक व्रत देता हूँ, रोज इन नियमों को देखने का व्रत ले लो कि मेरे कौन कौन से व्रत हैं। इनको देखने का व्रत ले लो कि मेरे कौन कौन से व्रत हैं। व्रत लेना और देना बहुत सरल है, व्रत निभाना बहुत कठिन है। हमेशा अंदर के उत्साह के साथ व्रत लेना चाहिए। व्रत है मन का संकल्प जो निष्ठा से निभता है। समझ गए? तो आपने संकल्प लिया, उस संकल्प पर दृढ़ निष्ठा होगी तो व्रत निभेगा, नहीं तो आपने व्रत लिया, देने वालों ने व्रत दे दिया, अब तो पकड़ पकड़ करके भी व्रत दिया जाने लगा है, तो लेने वाले और देने वाले दोनों अंधेर में हैं। मेरी धारणा है, व्रत दिया नहीं जाता, व्रत लिया जाता है। जिसने व्रत दिया है वह तो केवल साक्षी है, आलंबन है, और जिससे हमने व्रत अंगीकार किया उसे अपने गुरु के रूप में आदर्श मानकर अपने सामने उपस्थित रखो तो वो प्रेरणा बने। तो व्रत संकल्प निष्ठा और प्रेरणा के साथ जुड़े तो परिणाम देते हैं। संकल्प निष्ठा प्रेरणा के साथ जुड़े तो परिणाम देते हैं। वज्र संकल्प, एक
कोई भी परिस्थिति क्यों ना बन जाए, मैं अपने व्रतों में शिथिलता नहीं आने दूंगा। आप लोग व्रत लेते हो ना, एक बार एक ने कहा महाराज जी मेरा रात्रि भोजन का त्याग था पर एक दिन जोर की भूख लगी सो खा लिया। अब ऐसे को क्या बोलेंगे, तो बिना भूख के कौन खाता है भाई। तेरी परीक्षा तो तभी थी जब तेरे को भूख लगती है तो रात में नहीं खाता, तू फेल हो गया। यानी तेरा संकल्प कमजोर था, तेरा संकल्प लचीला था। जिसका संकल्प मजबूत होता है वही व्रतों में स्थिर होता है, और संकल्प में मजबूती, संकल्प में स्थिरता, संकल्पों में दृढ़ता तुम्हारी निष्ठा देती है। एक छोटा सा भी व्रत लो, निष्ठापूर्वक निभाओ। व्रत छोटे और बड़े नहीं होते, उसके साथ जुड़ी हुई निष्ठा छोटी और बड़ी होती है। निष्ठापूर्वक लिया गया छोटा सा व्रत भी महान फल देता है, और निष्ठा के अभाव में लिए जाने वाले, किए जाने वाले बड़े बड़े व्रताचार भी निरर्थक हो जाते हैं। यमपाल चांडाल ने अहिंसा व्रत लिया था। कैसा व्रत? केवल चतुर्दशी की हिंसा का त्याग किया था। कहानी आप सबको पता है, उसने लिया, मुनिराज ने दिया, एक प्रेरणा दी थी। मुनिराज के उपदेश से सुनकर वो प्रभावित हुआ। उसे समझ में आया कि हिंसा कितना बड़ा पाप है, अधर्म है, वो हमारी आत्मा का किस तरह से पतन करता है। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं तो चांडाल हूँ, कसाई हूँ, और मुझे जब तब हिंसा करनी पड़ती है, मेरा कर्म ही ऐसा है, अब मैं क्या करूँ। महाराज तो महाराज थे, करुणा वत्सल थे, और साधु हर प्राणी का हित करने वाला होता है। उन्होंने कहा बस तेरा भी कल्याण हो सकता है, तू रोज हिंसा करता है, मैंने रोज तो नहीं अक्सर करना होता है, तो एक काम कर केवल चतुर्दशी की हिंसा का त्याग कर दे। महाराज चतुर्दशी की हिंसा के परित्याग से मेरा उद्धार हो जाएगा। बोला बेटा हो जाएगा। प्रेरणा मिल गई महाराज मुझे व्रत दे दो, तू अंगीकार कर ले, ले ले। महाराज ने दिया, उसने लिया। महाराज ने क्या किया, केवल प्रेरणा दिया। उस प्रेरणा से वो प्रोत्साहित हुआ, संकल्प लिया और निष्ठा पूर्वक निभाया। उसके दिल दिमाग में ये बात बैठ गई कि इस व्रत से मेरा उद्धार होगा, मुझ जैसा पापी भी इस व्रत से तर जाएगा। ये विश्वास, ये निष्ठा, यही तो प्रेरणा का आधार बनती है, और प्रेरणा के बल पर संकल्प को मजबूती दिलाती है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपने अपने जीवन में छोटे बड़े अनेक व्रत लिए हैं, कभी ऐसा लगता है ये व्रत मेरे जीवन की अमूल्य निधि है, इसी व्रत से मेरा जीवन उद्धार होगा, इसी व्रत से मेरे जीवन का कल्याण होगा? हकीकत बताएं, ज्यादातर लोग तो केवल दूसरों के कहने के कारण व्रत ले लेते हैं। किसी की पत्नी ने प्रेरणा दी, किसी के माँ बाप ने प्रेरणा दी, किसी के भाई बंधु ने प्रेरणा दी, या किसी को कोई गुरु ने प्रेरणा दे दी। और कई तो इसलिए व्रत लेते, भैया हार देना है तो व्रत तो ले लेंगे, महाराज हार नहीं लेंगे, है ना। सच्चे अर्थों में तुमने व्रत के स्वरूप को समझा ही नहीं। यदि व्रत के स्वरूप और उसके महात्म को जान ले तो तुम्हें किसी को कोई प्रेरणा देने की जरूरत नहीं होगी, खुद आगे बढ़कर के तुम व्रत को अंगीकार करोगे, और न केवल व्रत को अंगीकार करोगे अपितु दृढ़तापूर्वक उसका निर्वाह भी करोगे। व्रतों को अंगीकार करे और उसका निर्वाह करे, दृढ़ता के साथ निर्वाह करे। उस यमपाल चांडाल ने एक दिन की हिंसा का त्याग किया और उसकी परीक्षा हो गई। ध्यान रखना, व्रती की ही परीक्षा होती है, अव्रती की नहीं। व्रती की परीक्षा होती है, अव्रती की नहीं। अव्रती की क्या परीक्षा होगी? लेकिन वो उसमें पास हो गया, वो खरा उतर गया। कैसा, कैसी परीक्षा? राजकुमार ने
अनर्थ किया उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। और मृत्यु दंड फांसी पे चढ़ाना है, सूली पे चढ़ाना है, कौन चढ़ाएगा? चांडाल ही करेगा, इसे और कोई नहीं कर सकता। लेकिन कल राजकुमार को फांसी पर चढ़ाया जाना है और कल चतुर्दशी है, ये कैसे करूंगा, मेरा तो व्रत खंडित हो जाएगा, हे भगवान अब मैं क्या करूं। एक तरफ राजाज्ञा और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा, किसको चुने? आप जैसे सामान होते तो कहते चलो भैया कॉम्प्रोमाइज कर लो, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, है ना। आप लोगों के साथ ये होता, कई लोग व्रत लेते हैं और व्रत लेने के बाद उसी समय पूछते हैं महाराज जी कहीं व्रत टूट जाए तो। एक आदमी ने अपने मकान का नक्शा बनाया, इंजीनियर ने नक्शा दिखाया, पूरा नक्शा दिखाने के बाद उसने कहा भैया ये और बता दो ये मकान कहाँ कहाँ चूएगा, ये मकान कहाँ कहाँ चूएगा। बोले भैया अभी मकान बना नहीं, तुम चूने की बात कर रहे हो। बोले नहीं, आजकल हमने सुना है कि प्रायः मकान बनते तो चूने लगते हैं। अब ऐसे को क्या बोलूं? अबे व्रत लिया नहीं और टूट जाए तो क्या प्रायश्चित? तो भले मानुष, तो तोड़ने के लिए व्रत ले रहा है या निभाने के लिए ले रहा है, ये तो बता। तेरा ये वक्तव्य बताता है कि तेरी मनसा साफ नहीं है। टूटेगा ही टूटेगा, क्या टूटा हुआ ही है? जो पक्के मन से व्रत लेते हैं उनका ही व्रत निभता है, और जिनका मन कच्चा होता है उनका व्रत टूट जाता है। तो उसने कहा एक तरफ राजाज्ञा एक तरफ प्रतिज्ञा, मैं प्रतिज्ञा खंडित नहीं करूंगा, राजाज्ञा का भंग हो जाए तो हो जाए। बीच का रास्ता निकाला, अपनी धर्मपत्नी से कह दिया कह देना मैं बाहर गया हूं, कल का दिन भर निकल जाए, परसों तो जो होगा सो हो जाएगा। और उसके कहे अनुसार धर्मपत्नी ने कह भी दिया राजकर्मियों से कि बाहर गए हैं। राजकर्मियों ने कहा महाअभागा है, आज यहाँ होता तो उसके बारे न्यारे हो जाते, राजकुमार को फांसी पर चढ़ाता तो उसके सारे वस्त्र आभूषण भी उसको मिल जाते। मुंह में पानी आ गया धर्मपत्नी के, कई कई बार पत्नियों के मुंह में पानी आने से जान सांस आफत में फंस जाती, और उसके पत्नी के मुंह में पानी आया, उसने इशारा से कह दिया बाहर गए हैं, हैं अंदर। क्या कह दिया? भेद खुल गया। यमपाल को राज दरबार में उपस्थित किया गया, उसे कहा गया कि कल तुम्हें फांसी देनी। यमपाल ने अत्यंत विनम्रता से कह दिया कि कल चतुर्दशी है, कल ये कर्म मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये हमारी राजाज्ञा है। महाराज राजाज्ञा मुझे शिरोधार है पर प्रतिज्ञा उससे ऊपर है, महाराज ने मुझे प्रतिज्ञा दिलाई है, मैं अपनी प्रतिज्ञा खंडित नहीं कर सकता। तू चांडाल कौन सा धर्म कर सकता है? लगता है ये भी कुछ पैसे खा गया है, राजकुमार से मिल गया है, चलो दोनों को मृत्यु दंड दिया जाए। और मृत्यु दंड के लिए क्या किया जाए? दोनों को बोरियों में भरकर मगरमच्छों और घड़ियालों से भरे तालाब में डाल दिया जाए। ठीक है, दोनों को डाला गया। धन्य है वो यमपाल, मर जाऊंगा लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को खंडित नहीं करूंगा। वो स्वीकार कर लिया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कितनी बड़ी प्रेरणा है, सोचो मौत सामने नाचते हुए दिख रही है। चाहता तो कहता ठीक है महाराज क्षमा करो मैं अपना काम कर देता हूं, नहीं, मेरी प्रतिज्ञा मेरे जीवन के उद्धार का आधार है, इसे मैं खंडित नहीं करूंगा। मर करके भी मैं अमर बनूंगा, नहीं तो पता नहीं मर कर कहां सड़ूंगा। मुझे वो काम नहीं करना, मुझे अपने आत्मा के हित का उद्योग करना है,
अपने व्रत को खंडित नहीं करना, ये दृढ़ता। और क्या हुआ कहानी आप सबको मालूम है। राजकुमार तो मगरमच्छों का ग्रास बन गया क्योंकि वो पापी था, और यमपाल के लिए सिंहासन आ गया, देवताओं का आसन कांप गया। उस यमपाल चांडाल के लिए सिंहासन में झेल लिया गया। ये है व्रत की महिमा। ऐसी दृढ़ता हो, स्थिरता हो, तभी व्रत का मजा है। और आज वो यमपाल चांडाल होकर के भी पूरी की पूरी मानव जाति के लिए आदर्श बन गया, जय जयकार हो गई। तो व्रत लेना, व्रत देना, व्रत निभाना और व्रत का फल पाना। संकल्प है व्रत लेना, प्रेरणा है व्रत देना, निष्ठा है व्रत निभाना, और मुक्ति है उसका फल पाना। वो हमारे अंदर हो तो ऐसे पंच इंदी संवरणम, पंच बया, पंच विंश क्रियासु, पंच समिदो तय गुत्तो संजम चरणम निरायारम, जो पांच महाव्रत है उन महाव्रतों के आराधकों की आप वंदना करते हो, अर्चा करते हो, जो कहीं हिंसा नहीं करते और अपनी अहिंसा के अनुपालन के लिए हमेशा सत्य का अनुपालन करते हैं, मुख से कभी असत्य का उच्चारण नहीं करते और कभी ऐसा सत्य नहीं बोलते जो किसी के लिए विपत्ति का कारण बने। कोई भी झूठ नहीं। आजकल तो लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, लेकिन जो महाव्रती है उनके मुख से कभी झूठ निकलता ही नहीं, सूक्ष्म झूठ भी नहीं, और तृण मात्र भी किसी का बिना दी भी नहीं लेते। या चौर व्रत, शील का अखंडित पालन, ये ब्रह्मचर्य महाव्रत। और तिल तुस मात्र भी परिग्रह को अंगीकार नहीं करना, ये अपरिग्रह महाव्रत। साधना का चरमोत्कृष्ट रूप यदि कहीं दिखता है तो केवल महाव्रतियों के जीवन में दिखता है, जहां पाप का लवलेश नहीं, वो महाव्रत है। ऐसे महाव्रतों को अंगीकार करने वाले विरले होते हैं। और मुनिराजों के लिए ये संयमाचरण होता है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि महाव्रत भले नहीं ले पा रहे हो, पर महाव्रतियों के सानिध्य में आ रहे हो, उनका सानिध्य पा रहे हो, तो कम से कम अपने अंदर प्रेरणा जगाओ, लक्ष्य बनाओ। मैं महाव्रतों को जब अंगीकार करूं तो करूं, पर कम से कम अपने जीवन में कुछ ना कुछ व्रत तो अंगीकार करूं, व्रत तो स्वीकार करूं। अव्रती का कभी उद्धार नहीं होता, व्रत से ही जीवन का उद्धार होगा। ये विश्वास अपने हृदय में गहरे स्तर तक बैठा लीजिए और आगे बढ़ने का उत्साह जगाइए, तब कहीं रास्ता खुलेगा। सोचो आपके आदर्श कौन हैं और आप कहाँ हो, बोलो। हमने महाव्रतियों को अपने जीवन का आदर्श बनाया है और हम हैं कहाँ? महाराज उसकी तो पूछो मत। हम तो इसी विश्वास में जीते हैं कि थोड़ी आप लोगों की शरण में आएंगे, थोड़ी सी आपकी सेवा करेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। न भूतो न भविष्यति। ध्यान रखना, गाय की पूंछ पकड़ करके स्वर्ग जाने की व्यवस्था जैन परंपरा में नहीं है।
समझ गए कि पूछ पकड़ लिए और तुम स्वर्ग पहुंच गए। तुम्हें खुद स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ना होगा, अर्थात अपने जीवन का उत्कर्ष तुम किसी की कृपा से नहीं स्व अर्जित पुरुषार्थ के बल पर ही कर पाओगे। अगर अपने जीवन का उत्कर्ष करना चाहते हो तो ये बात गांठ में बांध लो, मेरा कल्याण किसी की कृपा से नहीं होगा, मेरे पुरुषार्थ से ही होगा। वो पुरुषार्थ आज करूं तो और कल करूं तो। अगर तुम अपना भाव भ्रमण जल्दी समाप्त करना चाहते हो तो आज ही सन्नद्ध हो जाओ, आज से ही शुरुआत कर दो, आज ही लग जाओ, भले वो शुरुआत धीमी ही क्यों नहीं। अन्यथा प्रमाद में तो तुमने न जाने कितने भाव खो दिए, ये भाव भी समाप्त न हो जाए। इस भाव को समाप्त होने से हमें बचाना है और जीवन को आगे बढ़ाना है। भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम, इस भाव का सार क्या है? व्रतों को अंगीकार करना, महाव्रतों को धारण करो। कई लोग बोलते हैं महाराज जी अब हम तो गृहस्थी में फंस गए, अब हम व्रती कैसे बने? झूठ बात। हमारे 24 में से 19 तीर्थंकर पहले गृहस्थी रहे फिर व्रती बने, ये तो अपवाद स्वरूप है। हम लोग बाल ब्रह्मचारी 5 की परंपरा में चल रहे, मूल तो गृहस्थ ही थे। तुम सब गृहस्थ हो, अपने गृहस्थिक दायित्व को निभाओ और निकलो। और ये बात भी मैं कहता हूँ, सब बाल ब्रह्मचारी बन जाओगे ना उसी दिन जैन धर्म पर विराम लग जाएगा। मैं नहीं चाहता सब बाल ब्रह्मचारी बनो, आगे की परंपरा कौन निभाएगा? बोलो, संतति तो बनी रहेगी, ये तुम गृहस्थों के कारण है। पर उलझो मत, तुम लोग गृहस्थ नहीं हो, ग्रस्त हो। गृहस्थ बनो, ग्रस्त मत बनो। मुक्ति के रास्ते को खोलो जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। पंचिंद्रिय संवरणम पंचब्बया पंच विंश क्रियासु पंच समिदो तय गुत्तो संयम चरणम निरायारम। 5 इंद्रियों का निग्रह करना, 5 महाव्रतों का पालन करना, महाव्रतों की रक्षा के लिए 25 क्रियारूप भावनाएं भाना, 5 समितियों के साथ 3 गुप्तियों का पालन करने वाले के संयमाचरण होता है जो अनगार मुनियों के जीवन में होता है। ये चरित्र हमारे जीवनोद्धार का आधार है, इसके बल पर हम अपनी आत्मा का पूर्णतया उत्कर्ष कर सकते हैं। विगत दिनों इंद्रिय जय और व्रतों के संदर्भ में बात की गई, कल हमने पंच महाव्रत की बात की थी, आज बात समितियों की करनी है। समिति की बात करूँ उससे पहले एक दो बातें इस संदर्भ में जरूर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ इस संदर्भ में लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। कई लोग ऐसे हैं जो व्रत संयम में बड़े रूढ़ हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्रत संयम का कोई मूल्य ही नहीं समझते। व्रत संयम में रूढ़ होना भी ठीक नहीं है, और व्रत संयम को ही सब कुछ समझकर अपने आप को कृतार्थ समझ लेना भी ठीक बात नहीं है। ये बात सत्य है कि बिना व्रताचरण के जीवन का उत्थान असंभव है। आज तक जिन्हें भी मुक्ति मिली है वो व्रतों के बल पर ही मिली, लेकिन कई बार ये सवाल होता है कि व्रत तो तभी फलते हैं जब सम्यक दर्शन होता है, इसलिए सम्यक दर्शन के बिना
व्रताचरण करने की क्या आवश्यकता। कल शाम को भी इस आशय का एक सवाल आया था कि हम पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करें फिर व्रतों का पालन करें, तो ये तो वैसा ही होगा जैसे न नौमन तेल न राधा नाचे। न भूतो न भविष्यति। सबसे पहली बात जो समझने की है, हमें सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ इसका एहसास मुझे नहीं हो सकता, पर मेरे व्रत निर्दोष पल रहे हैं या नहीं इसका आभास हर साधक को होता है। सम्यक दर्शन अंदर की एक परिणति है जिसे हम बाहर से न जान सकते न समझ सकते हैं, लेकिन व्रत हमारी एक प्रवृत्ति है जो एक भाव की प्रेरणा से होती है, उस प्रवृत्ति को हम अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं पापों का परित्याग करके निर्दोष रीति से अपने व्रतों का अनुपालन करूं, ये मेरे पुरुषार्थ गम्य है, पर मैं सम्यक दर्शन को उद्घाटित करके अपने भीतर टिकाए रखूं, ये किसी के बस की बात नहीं है। बात को थोड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत है। सम्यक दर्शन हमारे भीतर की परिणति है जो तत्वों के श्रद्धांत से प्रकट होती है और अंदर के कर्मों के क्षयक्षोपशम से प्रकट होती है। जब हम सम्यक विरोधी कर्मों को दबाते हैं, छीन करते हैं, नष्ट करते हैं, तब कहीं जाकर हमारे भीतर उस सम्यक्त का प्रकाश प्रकट हो पाता है। वह सूक्ष्म परिणाम है, उसे हम जान नहीं सकते। आज मैं सोचूं कि पहले मैं सम्यक दृष्टि हूं या नहीं हूं जांच परख कर लूं, तो ऐसा कोई मापदंड नहीं है जो हमें कह सके, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसके आधार पर हम सुनिश्चित तौर पर कह सके कि ये सम्यक दृष्टि है ही। मैं औरों की बात जाने दो, खुद के विषय में भी नहीं कह सकता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ ही, और मैं क्या इस धरती में दिव्य ज्ञानियों को छोड़कर कोई नहीं कह सकता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ ही। ये बात और है कि लोगों की सम्यक तो जयंती मनने लगे, सम्यक तो जयंती, सम्यक दर्शन की जयंती, ये सब चीज़ें भ्रांत है, ये यथार्थ नहीं है, इनमें कभी उलझना नहीं। ये तो भीतर की परिणति है, और सम्यक दर्शन ऐसा होता है कि हुआ और गया पता ही नहीं लगता, कब अंदर रहे और कब चला जाए कोई पता नहीं। तो महाराज, तो पहले ये सुनिश्चित करो तब आप मुनि बनो तो मजा है, नहीं तो ऐसे तो कुछ है नहीं, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के व्रतों को धारण कर लोगे तो कुछ होगा ही नहीं। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, मुनि व्रत भार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो महाराज जी, मुनि बनने से क्या फायदा, ऐसा मुनि व्रत तो हमने अनंतों बार धारण किया है और छोड़ा है, और अगर आपको आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का श्रद्धा नहीं, तो इस व्रत का क्या फल। बात तो सही लगती है, तो फिर मैं क्या करूं, देखूं मेरे भीतर सम्यक ज्ञान है कि नहीं, श्रद्धान है कि नहीं, सम्यक दर्शन है कि नहीं। अब वो तो पता नहीं लग रहा है, पता नहीं लग रहा है तो क्या करूं, छोड़ो मुनि व्रत, क्यों ऐसे मुनि पने में तो कुछ होना नहीं है। ऐसा भ्रामक उपदेश आज दिया जा रहा है, इससे बचना, ये भ्रम है, ये यथार्थ नहीं है, इससे बच के रहना है। क्या करना है, मेरे हाथ मेरे अंतरात्मा में क्या चल रहा है इसका सूक्ष्म आभास तो मुझे नहीं है, पर स्थूल पता मुझे है। मेरे अंदर गहित मिथ्या तो नहीं है, मैं सम्यक्तोचित क्रियाओं और कर्तव्यों में लीन हूं कि नहीं, मेरी किसी भी प्रवृत्ति में मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हो रहा है, और आत्मा के प्रति मेरी अभिरुचि है या नहीं, मेरे कल्याण के प्रति मेरी ललक है कि नहीं। यदि है तो
ते मान करके चलना मैं सम्यक दृष्टि हूँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि में ये सारे गुण होते हैं, जिसमें ये गुण होते हैं वही सम्यक दृष्टि होता है। ये बात और है कि ये गुण होने के बाद भी सम्यक दर्शन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, पर मैं तो ये मान के चलता हूँ मुझ में ये गुण हैं इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ। और न केवल सम्यक दृष्टि हूँ, मैं अपने आप को केवल सम्यक दृष्टि नहीं मानता, मैं तो अपने आप को इस धरती में सौभाग्यशाली लोगों में से एक मानता हूँ, और मैं अपने आप को रत्नत्रय की निधि से संपन्न मानता हूँ, रत्नत्रयधारी मानता हूँ, जिसे मैं अपने जीवन के अमूल्य निधि के रूप में देखता हूँ। और मुझे लगता है ये मेरे जीवन का अलभ्य लाभ है, जो मैंने किसी भाव में नहीं पाया वो इस भाव में अपने गुरु की कृपा से मैंने प्राप्त की। ये मेरे जीवन की अनमोल निधि है, लोक में दुर्लभ है, और जिसने इस निधि को प्राप्त कर लिया उसका बेड़ा पार निश्चित होगा। तो जैसे आप अपने कीमती धन को सुरक्षित रखते हो, मेरे लिए ये रेरा रत्नत्रय सबसे कीमती है, और मैं उसे सुरक्षित करने में हमेशा तत्पर रहता हूँ, और यही उत्साह मुझे मेरे मोक्ष मार्ग में टिकाए है। अगर इस तरफ मेरी दृष्टि नहीं हो तो शास्त्र तो मैंने भी पढ़ रखे हैं कि इसके बिना तो मुनिव्रत धार अनंत बार निगेवेक उपजाए, तो भैया कुछ हो ना जाना तो है नहीं, छोड़ दो सब मुनिपला छोड़ दो। नहीं, उपदेश कभी नीचे गिरने के लिए नहीं होता, उपदेश सदैव ऊपर चढ़ने के लिए होता है। ऊपर उठो, तुम केवल क्रियाओं में रूढ़ होगे तो यहीं अटक जाओगे, लेकिन क्रियाओं के प्रयोजन को साथ लेकर चलोगे तो हमेशा उत्कर्ष करोगे। ऊपर उठो, हर व्रतधारी को, हर साधक को व्रतों के प्रयोजन को सामने रखकर चलना चाहिए, अपनी क्रियाओं को अप्रमत्तता से निभाना चाहिए। ये भाव जब जगता है तब कहीं जाकर जीवन का वास्तविक विकास होता है। व्रत लेना, व्रत देना, व्रत निभाना और व्रत का फल पाना, तो ये लेने देने की बात है, उसके प्रयोजन को समझो और उसे निभाओ। इसलिए व्रतों को कभी हल्केपन में मत लेना। जिन लोगों ने आज तक व्रतों का आनंद नहीं लिया वे ही ऐसा कहते। आचार्य कुंद से किसी ने पूछा कि भगवान हमको मोक्ष जाना है और मोक्ष तो ध्यान से मिलता है, ये व्रत तप से तो कुछ होना नहीं है, तो जब हमें होगा हम ध्यान में लीन होकर के मोक्ष चले जाएंगे, ये व्रत तप से तो स्वर्ग मिलना है, क्या फायदा? क्या व्रत तप से तो स्वर्ग मिलना है, तो फिर व्रत तप से क्या फायदा? स्वर्ग भी तो एक प्रकार का संसार में अटकाने का निमित्त है, हमें अटकना ही नहीं, मोक्ष जाना है, तो हम करेंगे तो सीधे ध्यान ही करेंगे, व्रत तप नहीं आचरेंगे। तो उनको समझाते हुए आचार्य कुंद कहते हैं, वर वै तवे ही सगो मा हो ई रे निरे गए दुखम छाया तवठियानम परिवालंतान गुरु भेयम। कि व्रत और तप के द्वारा स्वर्ग जाना वर यानी श्रेष्ठ है। वर वै तवे ही सग्गो, वर तवे ही सग्गो सगम, व्रत और तप के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करना सही है। मा होई ई रे निरे गई दुखम, अव्रत और अतप से नरक गति का दुख भोगने की अपेक्षा व्रत और तप से स्वर्ग जाना अच्छा है। छाया तवठियानम परिवालंतान गुरु भेयम। दो व्यक्ति हैं जो बहुत भटके हुए हैं, प्रचंड गर्मी है, हाल बेहाल है, पर दूर 2 मील आगे एक हरा भरा पेड़ दिख रहा है। एक कहता है, भैया यहाँ तो कोई राहत नहीं, धीरे धीरे ही सही,
हम उस पेड़ की छाया में जाकर विश्राम करेंगे और वो विश्राम करने के भाव से शक्ति न रहते हुए भी अपने मनोबल के बल पर उस पेड़ की छाया में जाकर विश्राम पा रहा है। और दूसरा कह रहा, भैया हमारी बस की नहीं है, अब तो हम यहीं रहेंगे। एक व्यक्ति छाया में विश्राम पा रहा है और दूसरा व्यक्ति धूप में झुलस रहा है, कौन अच्छा है? ध्यान रखना, जो व्रती है वो छाया में विश्राम पा रहे हैं और जो अव्रती हैं वो संसार के धूप में झुलस रहे हैं। तुम झुलसते रहोगे, पता नहीं कल अचेतना हो जाओ। जो छाया में चल नहीं रहा माना, मंजिल तक नहीं पहुंचा माना, लेकिन अभी विश्राम में है, कल उसकी शक्ति बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, चलना शुरू करेगा, अपने मंजिल तक पहुंच भी जाएगा। इसलिए व्रत और तप की महिमा को कभी नज़रअंदाज मत करना, व्रत और तप की महिमा को कभी नज़रअंदाज मत करना। और ये जो पंक्तियां हैं, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, अगर इसे मेरी नज़र में देखो ना, तो इसमें मुनि व्रत का उपहास नहीं, मुनि व्रत की महिमा का ही बखान है। इसमें भी मुनि व्रत का उपहास नहीं है, मुनि व्रत की महिमा का बखान है। कैसे? आपको पता है नौवें ग्रहवेयक तक कौन जाता है? ग्रहवेयक में कौन जाता है? मुनि ही जाता है। मुनि के बिना कोई सोलहवें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। अगर वो अनंत बार भटका है तो मुनि पने के कारण नहीं भटका, अपने मिथ्यात्व के कारण भटका। और इसमें मुनि व्रत की महिमा है, क्योंकि हमारा आगम कहता है कि मिथ्या दृष्टियों का उपास स्वर्ग में बारहवें स्वर्ग से ऊपर नहीं है। सामान्य मिथ्या दृष्टि बारहवें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन देखो मुनि व्रत की महिमा, जो मिथ्यात बारहवें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता, अगर मुनि के साथ हो जाए तो मुनित्व के प्रभाव से नौवें ग्रहवेग तक चला जाता है। किसने पहुंचाया नौवें ग्रहवेग में? उसके मिथ्यात्व ने, उसके मुनित्व ने। जैसे दूसरे संदर्भ में देखो, जब मिथ्यात्व युक्त मुनित्व तुम्हारा उत्कर्ष कर सकता है तो सम्यक युक्त मुनित्व तुम्हारा बेड़ा पार करेगा ही करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए इन बातों को बहुत गहराई से समझना चाहिए। तो व्रत के स्वरूप को हम समझें, व्रत की महिमा को हम जानें, तब हम व्रताचरण कर पाएंगे और व्रताचरण करके हम व्रतों का फल पा सकेंगे। व्रत का स्वरूप महान बताया आचार्य वीरसेन महाराज से। किसी ने पूछा व्रत क्या, कुछ लोग व्रतों को बंद का कारण कहते हैं, समझ के नहीं, व्रत का स्वरूप जानना, व्रत की महिमा समझना, व्रताचरण करना और व्रतों का लाभ उठाना, इन चारों बातों पर आज थोड़ी सी चर्चा मैं करूँगा। व्रत का स्वरूप क्या है? पापों के परित्याग का नाम व्रत है, पर इतना ही नहीं, व्रत का स्वरूप बताते हुए आचार्य वीरसेन महाराज ने कहा, जब उनसे किसी ने पूछा कि भगवान व्रत क्या है, तो उन्होंने कहा परिसमयम असंखित जाए, परिसमय असंख्यत जाए गुनाए सेडिये निज्जर हेदु नाम व्रतम। प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप निर्जरा के हेतु का नाम व्रत है। व्रत के आते ही पापों में विराम लगता है, बिना व्रतों के कभी उद्धार नहीं। अव्रती लोग कहते हैं ना, मिथ्या दृष्टि का व्रत कल्याणकारी नहीं है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जाता अव्रती का तप कल्याणकारी नहीं। क्या? अव्रती का तप कल्याणकारी नहीं। अव्रती का कौन ठिकाना? बिना ब्रेक की गाड़ी का कोई भरोसा है क्या? बोलो,
बिना ब्रेक की गाड़ी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ गड्ढे में गिरा दे। भगवती आराधना में बहुत अच्छी बात लिखी, सम्मा डिठिस अविरदस्य बिना तवो महागुणो होदि हथि नानम चंदच्छद कम व तस्य, कि सम्यक दृष्टि अवृत्ति के सम्यक दृष्टि होने पर भी उसका तप महान गुणकारी नहीं होता। आवृत्ति सम्यक दृष्टि का तप महागुणकारी नहीं होता। क्या होता? हो दी वो हत्थी नानम, वो हाथी के स्नान की तरह होता है। या चुंदुच्छुद कम अवतस्ता, चुंदुच्छुद कर्म किसको बोलते हैं? पुराने समय में जब लकड़ी के काम करते थे तो काठ मिस्त्री होल कर ड्रिल करना होता कहीं, तो उसमें बर्मा कमानी का उपयोग करते थे। बर्मा कमानी देखा होगा, आज की जनरेशन ने तो नहीं देखा होगा, अपन सब ने देखा है। तो क्या होता है, एक बर्मा होता है, उसमें रस्सी का फंदा लगा रहता है, उसको चलाते एक तरफ उधेड़ते एक तरफ लपेटता है, एक तरफ उधेड़ते एक तरफ लपेटता है, ये क्रम चलता रहता है। जितना उधेड़ा उससे ज़्यादा लपेटा, क्योंकि अव्रत पाप का निमित्त है, अव्रत से पाप बंधता है, अव्रत से पाप कटता है। तो जब तक तुम अव्रती रहोगे, पाप के बंधक बने रहोगे, भले तुम सम्यक दृष्टि हो। तुम्हारे पांच प्रत्ययों में एक ही गया मिथ्यात, अभी अव्रती तो बची है, लपेट रहा है। उससे बचने के लिए व्रतों को अंगीकार करो, यही व्रत की महिमा है। जो व्रतों की महिमा को जानता है वो सतत व्रतों के प्रति उत्साहित बना रहता है। कदाचित तुम व्रतों को अंगीकार कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन व्रतों को ग्रहण करने का उत्साह मन में सदैव बना के रखो। जिनको व्रत संयम कष्टकारी लगते हैं वो कहीं के नहीं रहते हैं। आप लोग बोलते हो छह डाला में आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। जिसे व्रत संयम कष्टकारी लगते हैं, निरर्थक लगते हैं, समझ लेना उसे अभी तत्व का सच्चा श्रद्धान ही नहीं। और जिसे तत्व का सच्चा श्रद्धान नहीं वो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता। तो व्रत की महिमा को जानो, अपनी वृत्तियों के परिष्कार का यही आधार है, ये तुम्हारे मुक्ति का मूल है। और ऐसा कोई साधारण व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, तीर्थंकर भी व्रतों को अंगीकार करते हैं। दीक्षा लेते समय सबसे पहले पंचाचार का संकल्प होता है, पांच महाव्रत, तीन गुप्ती और पांच समिति रूप त्रया तेरह प्रकार के चरित्र को अंगीकार करते हैं। और कैसे करते हैं? जीवन पर्यंत के लिए करते हैं जी। अपने व्रतों को अंगीकार करते हैं तो व्रतों को अंगीकार करें, जीवन पर्यंत के लिए अंगीकार करें। यह व्रत की महिमा है, इसके बिना किसी का उद्धार नहीं है। इस महिमा को समझते हुए जो व्रताचरण करते हैं, सम्यक रीति से व्रताचरण करते हैं, वे ही व्रतों का फल पाने के अधिकारी होते हैं, व्रतों का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा कोई लाभ उठाने वाला नहीं है। तो आज के संदर्भ में जो मैंने आप सबसे बातें की वो व्रतों के संदर्भ में समझ लेना, चाहे व्रत हो, चाहे समिति हो, चाहे गुप्ती हो, इनमें प्रवृत्ति है मानता हूँ, लेकिन ये प्रवृत्ति भी निर्वृत्ति के लिए। इसके अभाव में मुक्ति न तो किसी को मिली है न मिल सकती है। ऐसा उत्साह अंतर मन में निरंतर बना के रखने वाले कभी पिछड़ते नहीं हैं, और जिसके मन में ऐसा उत्साह नहीं होता वो कभी संभलते नहीं हैं। हमें संभलना है, सम्यक दर्शन की भावना भाना है, सम्यक तोचित कर्तव्यों का पालन करना है। जितना तुम्हारे पुरुषार्थ गम्य है उतना करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन पुत्र आनंद कुमार जैन निर्मल कुमार जैन पौत्र वेदांत जैन 4/142 बालूगंज आगरा उत्तर